का मेरे चैनल पे। आज की रेसिपी स्पेशली उनके लिए है जिन्हें अरबी तो पसंद है पर इसका स्लाइमी यानी कि लसलसा भाव पसंद नहीं। तो अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके अरबी की सब्जी बनाते हैं तो लसलसा भाव भी नहीं होगा और साथ ही ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने अरबी को अच्छे से छील कर काट लिया है। इसे मैंने लंबा लंबा ही रखा है। अरबी को काटने से पहले कभी भी ना धोएं, नहीं तो इसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने अरबी को अच्छे से धो लिया है। अब मैं अरबी को बॉईल करूंगी एकदम प्लेन पानी में। इसमें हम नमक भी नहीं डालेंगे। प्रेशर कुकर में अरबी बॉईल करने से इसका लसलसा भाव रह जाता है। देखिए अब ये कैसे सफेद पानी ऊपर से छोड़ रहा है, यही उसका लसलसा भाव है और इसे हम बीच बीच में निकालते रहेंगे। ऐसे बॉईल करने से स्लाइमी टेक्सचर बहुत कम हो जाता है। और ध्यान रहे अरबी को हमें बिल्कुल भी गलाना नहीं है, ज्यादा गलने से अरबी फटने लगती है। हम इसे ऐसे फेज पे उतारेंगे कि जहां ये थोड़ा सॉफ्ट रहे बट हल्का क्रंच भी रहे। देखिए अब मैं इसे टूथपिक की मदद से इसे चेक करूंगी। हल्का प्रेशर देने से ही टूथपिक इसके अंदर चला जा रहा है। मतलब मेरी अरबी बॉईल हो चुकी है। अरबी को गर्म पानी से निकाल कर थोड़ा ठंडे पानी में धो लेना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की ओर। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी पर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें चाहिए हमको जीरा, हींग, स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, मटर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, एक बड़ा टमाटर और साथ में दो हरी मिर्ची, 5 लहसुन की कलियां कटी हुई, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, हल्दी और गार्निशिंग के लिए हम कटा हुआ हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इतने ही इंग्रेडिएंट्स में बनेगी मेरी ये सब्जी। गैस को ऑन करके अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। वेट करेंगे जब तक कि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। कढ़ाई गर्म होने पर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल डाला है। मेरी अरबी है, आधा किलो अरबी बन रही है, इसीलिए मुझे 2 बड़े चम्मच तेल की जरूरत पड़ेगी। अब तेल को अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, पिंच ऑफ हींग, फिर डालूंगी इसमें 4 से 5 कुटे हुए लहसुन, अब मैं डालूंगी इसमें 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए और इसे अच्छे से मिला लूंगी। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। इसी बीच मैं कटी हुई 2 चिलीज भी इसमें डाल दूंगी। आप चिलीज की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
देखिए प्याज हल्के ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं। अब इसी बीच में मैं डालूंगी ये एक बड़ा टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरा मिक्सचर एकदम पेस्ट जैसा ना बन जाए। देखिए मिक्सचर हल्का पेस्ट जैसा बन गया है और ये तेल छोड़ने लगा है। इसी बीच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। फिर इसमें डाल के इसको अच्छे से मिलाकर थोड़ा पका लेंगे। मसाला हल्का भून चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें हरे मटर। ये मटर आप नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अभी मार्केट में बहुत अच्छे मटर आए हैं, इसलिए ये मटर बहुत फ्रेश थे तो मैंने इसे इसमें डाला है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मटर डालकर 1 से 2 मिनट इसे अच्छा पका लेंगे ताकि मटर थोड़े नरम हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे बॉईल किए हुए अरबी। अरबी को डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे। देखिए अरबी की बॉइलिंग की कंडीशन इतनी अच्छी है कि ये एकदम खड़ा है, खड़े खड़े अरबी है। अगर ये ओवर बॉईल हो जाते हैं तो अरबी आप जैसे ही कढ़ाई पे डालेंगे तो ये इतने गले होने के कारण टूटना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। अब हम इसमें आधा कप जितना गरम पानी डालेंगे। एक बार में कभी भी अरबी में ज्यादा पानी ना डालें। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। मैंने पहले बहुत कम पानी डाला है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके मैं 1 से 2 मिनट तक फिर से इसे ढक दूंगी। अब मैंने इसमें 2 कप जितना गरम पानी डाला है। आप जैसी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके में पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमें अरबी को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरबी ऑलरेडी पकी हुई है। अब हम इसमें गर्म पानी डालकर थोड़ा सा इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो है इसके में मसाले सब अरबी में अंदर चले जाए। मैंने फ्लेम को बढ़ाकर अब इसे ढक दिया है। अब देखिए मैंने इसका ढक्कन जैसे ही उतारा, देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। पूरा पूरे मसाले भी इसके अंदर चले गए हैं और ये दिखने में भी कितनी कलरफुल लग रही है। अभी मैं डालूंगी ये भुना हुआ जीरे का पाउडर 1 बड़े चम्मच। ये भुना हुआ जीरा का पाउडर मैं घर पे खुद बनाती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और आपका जो खाना है बहुत हेल्दी बनता है। अब मैं इसे अच्छे से मिला रही हूं। आप अरबी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें कटे हुए हरा धनिया पाउडर, हरे धनिया पत्ता, और इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा हल्का पका लेंगे।
बंद करेंगे, गैस बंद कर देंगे, मेरी अरबी की सब्जी रेडी है, अब इसे सर्व करेंगे। रेडी है गर्मा गर्म अरबी की सब्जी और है इसमें ना के बराबर मसाले, पर स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मसालों में ढकी अरबी की सब्जी के बजाय ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पेट भी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी लेकर। अगर आपको ऐसी ही हेल्दी रेसिपी चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने चैनल में ऐसी हेल्दी रेसिपी की अपडेट देती रहूंगी। तब तक आप इसे रोटी या दाल चावल के साथ एंजॉय करिए।